रन कौन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1869 में, स्टेशन कोड RUN। दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं और आप देखिए यहाँ क्या बारिश हो रही है। ये देखो गेट का आपको इतना केयर, ये देखिए। नमस्ते फ्रॉम लंदन। इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी ईस्ट कोस्ट की जर्नी, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वेस्ट कोस्ट की ट्रेन जर्नी। और मैं ट्रैवल करने वाला हूँ अवंती के साथ। करंट लोकेशन, करंट स्टेशन, दिस इज़ लंदन ह्यूस्टन। यहाँ से मैं जा रहा हूँ ट्रेन लेके लिवरपूल। डिस्टेंस कुछ अराउंड 350 किलोमीटर्स, टाइम लगेगा 2 से 3 घंटे। और आपके लिए बैक टू बैक ट्रेन जर्नी शुरू करें। नहीं देखो यार, आपको स्टाइल पता था, कम ऑन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले 15-20 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं #NationalRail के साथ। तो मेरा नाम है डोलेश, आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। वेदर की वजह से इतना कड़क वेदर है, मेरे बाल भी देखो क्या हो गए। स्क्रीन आप देख सकते हो, अभी ट्रेन को लगाया जाएगा प्लेटफॉर्म पे, सब पैसेंजर्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और भाई साहब, जब भी मैं स्टेशन आता हूँ ना, जब भी ट्रेन जर्नी की शुरुआत होती है, वाइब ही अलग है एकदम। वेदर बाहर तो ऐसा है, फॉग आप पूछिए मत, अंदर यहाँ तब भी ठीक ठाक है। ह्यूस्टन स्टेशन का आपको बता दूँ, ब्रिटेन का 11th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, फिर इसको 1968 में रीबिल्ट किया गया। स्टेशन कोड EUS। और अगर आप देखोगे, आई गेस दिस इज़ अवंती वेस्ट कोस्ट का स्पेशलाइज डेजिग्नेटेड, आप कह सकते हो, टिकट काउंटर। मैनुअल टिकट काउंटर भी है, अगर आप देखोगे वहाँ पर टिकटिंग मशीन भी है। मैंने टिकट ऑनलाइन बुकिंग की है एकदम चीपेस्ट प्राइस पर। तो अगर आप इस रूट पर प्लान कर रहे हो फ्रॉम लंदन टू लिवरपूल, व्लॉग को पूरा देखिए। ट्रेन का इंटीरियर, कॉस्टिंग, मैंने क्या पे किया, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। स्टेशन पूरी तरह से कनेक्टेड विद अंडरग्राउंड ट्यूब। आप ये मैनेजमेंट देखिए, ये प्लानिंग देखिए और ये इंफ्रा देखिए। भाई साहब ऐसा सच बताओ स्टेशन से तो जाने, मेरे को तो स्टेशन की वाइब ही नहीं आती, मेरे को तो लगता है मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ। सच में आप देखो ह्यूस्टन स्टेशन पे पब्लिक देखिए, अराउंड 16 प्लेटफॉर्म्स एंड मोर देन आप कह लीजिए 150 ट्रेन डिपार्ट्स एवरी डे। आई गेस पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को लगाया जाएगा। एक बार ट्रेन लग जाए फिर एक और सफ़रनामा की शुरुआत करते हैं। अब मान लीजिए एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड अगर मैं देख के चलूँ ना, कुछ 150-160 किलोमीटर समवेयर। सोचिए 350 किलोमीटर हम कितने टाइम में कवर करेंगे, ओनली 2.5 आवर्स। मज़े आने वाले हैं। और कल आपको बता दूँ, आज की डेट ऑफ जर्नी दिस इज 30 सितंबर, टुमारो इट इज़ 1 अक्टूबर। यहाँ पर रेलवे की स्ट्राइक है। अब ये वाला व्लॉग तो शायद आप थोड़ा लेट देख रहे हो, तो कल यहाँ पर एक भी ट्रेन चलने वाली नहीं है, बता रहे हैं सब स्टेशन सब बंद होने वाले हैं। हमारे यहाँ ट्रेन 1 घंटे पहले लगती है, यहाँ पर ये लोग 15-20 मिनट पहले लगाते हैं। जो मेरी ट्रेन है वो है 9:07 की। ऑलरेडी अगर मैं आपको दिखाऊं 8:55 ऑलरेडी हो चुके हैं। ट्रेन अवंती वेस्ट कोस्ट लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर 14 पे, और कोच ए वापस आगे दे दिया एकदम। अराउंड 11 कोचेस, एक फर्स्ट क्लास। और अगर आप अवंती के साथ फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, मैंने स्टेशन पर देखा फर्स्ट क्लास लाउंज। सोचिए स्टेशन पे स्टारबक्स तक है यार, मतलब ये तो अल्ट्रा लग्जरी है। आप देखिए, आई गेस ये फर्स्ट क्लास कोच ही है शायद। ये आप देखो, पहले मेरे को जाने दो, कोच ए में। और इंडिकेटर पे ये भी बताया था कि कोच ए इज़ अ क्वाइट कोच। और जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी खुद सीट सेलेक्ट कर सकते हो, कोच सेलेक्ट कर सकते हो। देख लो क्या लग रहा है, ये भी अवंती वेस्ट कोस्ट, ये भी कहीं जाएगी। मज़ा आएगा एक और जर्नी में भाई साहब, मज़ा आएगा। बट पहले कोच पर पहुँचने दो, बिकॉज टाइम बहुत जल्दी निकलेगा।
और ऑटोमेटिक लॉक्स, अवंती वेस्ट कोस्ट जो ऑपरेट की जाती है बाय टू डिफरेंट कंपनीज, एक का लगभग 70% स्टेक है और दूसरी का 30% स्टेक। और अगर आपको शायद पता हो, दिसंबर 2019 में इस कंपनी ने ओवरटेक किए थे ऑपरेशंस फ्रॉम वर्जिन ट्रेन्स। और आप देखिए, ये हमारा लोको, आप कह लीजिए लोगों की, देखिए आपको सच बताऊं लोगों की इतनी जानकारी मेरे को इंटरनेशनल की फ़िलहाल है नहीं। आप देख लीजिएगा, इस तरफ मैं आपको स्टेशन दिखा दूं। फिलहाल द सिग्नल इज़ रेड। जैसा आपको बताया, टोटल 11 कोचेज, और मेरे को फर्स्ट क्लास बिजनेस लाउंज का पता होता ना तो मैं फर्स्ट क्लास वाली टिकट बुक करता। यार लाउंज बना रखा है अंदर ही उन्होंने, मतलब एयरपोर्ट बना रखा है यार। ये देखो, यहाँ पर साइकिल्स भी आप साथ कैरी कर सकते हो। कोच ए, वापस आगे वाला कोच सिस्टम देख रहे हो। साइकिल भी अगर बोर्ड की जाएगी तो वहीं से बोर्ड की जाएगी जो गेट बनाया गया है। ऐसा नहीं है कहीं से कोई भी कुछ भी चढ़ रहा है। Ready sir, good to go. It's time. 9:05 it is. चलिए 9:07 का डिपार्चर। मैं जा रहा हूँ लिवरपूल लाइव स्ट्रीट। आई गेस 4 to 5 हॉल्स पड़ेंगे बीच में। दिस क्वालिटी, आई एम जस्ट लविंग दिस। एक कोच की पैसेंजर कैपेसिटी, अराउंड 48। इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला अजूमा, वो नहीं देखा है, देखिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सिग्नल ग्रीन कर दिया गया है, अब टाइम नहीं मिलेगा। चलिए एक और सफ़र की शुरुआत करते हैं ह्यूस्टन से आपके लिए, बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज। जनाब मज़ा आ रहा है। #डोलेश इन UK। Sharp 9:07 और डिपार्चर के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 से डिपार्चर के लिए अवंती वेस्ट कोस्ट तैयार। देखिए ये है टाइम टेबल, ये है रूल्स और ये है रेगुलेशंस जिनको फॉलो भी किया जा रहा है। चलिए एक और सफ़रनामा शुरू हो चुका है आपके लिए, ढेर सारा एंटरटेनमेंट आपके लिए, ढेर सारा इंफोटेनमेंट। देखो कोच की अगर आप एंट्री भी देखोगे ना, एंट्री भी ऐसी लगती है बिल्कुल लग्जरियस। लाइट कॉम्बिनेशन अगर आप देखो, CCTV कैमरा फ्रॉम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। खाने पीने का देखेंगे दोस्त, भूख लगी। जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, अब मैं आया हूँ कोच सी में। और इस वाली ट्रेन में आपको मिलता है रेस्टोरेंट ऑन बोर्ड। आप देख लीजिए, वेज नॉन वेज दोनों आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। क्विकली टूर आपको दे दूँ, फ्रूट्स वगैरह, चिप्स वगैरह जो भी आप लेना चाहें। पेमेंट के लिए एप्पल पे प्लस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली फॉरेक्स कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट होता है। चॉकलेट्स वगैरह आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो भी आप लेना चाहें ये हो गया, प्लस वेज नॉन वेज सैंडविचेस, अगेन चॉकलेट्स फ्रूट्स वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर। ये आपको बिल्कुल वार्म करके यहाँ पर दिया जाएगा। प्राइस चार्ट मैं आपको इन शॉर्ट दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, दीज आर द प्राइस चार्ट है। तो जो भी अगर आप अपनी सीट पर भी डिलीवरी चाहते हैं तो यू कैन ऑर्डर हियर। आप पेमेंट कर दीजिए अपने फॉरेक्स कार्ड से। एंड एट दिस स्पीड ऑन मूविंग ट्रेन, आपको सोचिए इतना फ्रेश एंड फर्स्ट क्लास फूड यहाँ पर सर्व किया जा रहा है। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। आप देखते हैं मेरे को क्या पसंद आता है, मेरे को क्या ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पर ज़रूर ऑर्डर करना चाहूँगा। ये लीजिएगा इधर टी, कॉफ़ी, वट एवर यू प्रेफर आप कर सकते हो। रिमेंबर दिस इज कोच सी, और जब भी आप ट्रेन बोर्ड कर रहे हो तो कोच आगे पीछे हो सकता है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। बट दिस इज़ समथिंग, आप देखिए वहाँ पर आपको पानी वगैरह सब कुछ, वाटर वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट दिस मूविंग स्पीड। जब आपको एकदम फ्रेश एंड हॉट फूड सर्व किया जाए तो आपको जर्नीज में और क्या चाहिए। स्टेशन वन हम पहुंचे हैं, स्टेफर्ड स्टेशन कोड हो गया STA, बट पता नहीं यार इन्होंने ये गेट ओपन नहीं किया है। मे बी कोई पैसेंजर बोर्ड नहीं कर रहा तो शायद इसलिए इन्होंने गेट यहाँ से ओपन नहीं किया। ऑपरेटेड बाय अवंती वेस्ट कोस्ट। सोचिए हम निकलने के लिए तैयार, यार ऐसा भी कुछ सिस्टम है क्या? मेरे को तो आइडिया ही नहीं था। ये देखो स्टेफर्ड, मैनेज्ड बाय, ओन्ड बाय नेटवर्क रेल।
सरप्राइज टू यार 12:24 का ऑफिशियल टाइम था, 12:20 ट्रेन आई, बट पता नहीं इन्होंने गेट ही ओपन नहीं किया. होगा भाई कुछ सिस्टम, ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर सिस्टम क्या है हर चीज़ का. यहाँ पर ट्रेन भी क्रॉस भी होती है ना, इतनी जल्दी क्रॉस होती है कि कैप्चर भी नहीं हो पाता. ये आइए क्रॉस कंट्री का व्लॉग भी आपके सामने बहुत जल्द. और यहाँ पर कूली का सिस्टम ही नहीं है. और जो ये सीनियर सिटीजन्स हैं, आपको सच बता रहा हूँ, ये दे आर सो मच फिट. वो अपना खुद लगेज, इतना हैवी लगेज वो खुद उठाते हैं. अनाउंसमेंट चल रहा है. यहाँ हर चीज़ इतनी फास्ट होती है कि पूछिए मत. अब बिकॉज भूख लगी है तो मैंने ब्रेकफास्ट में यहाँ पर एक सैंडविच लिया है. वेज सैंडविच है ही नहीं तो मैंने एग सैंडविच लिया है. सैंडविच की कॉस्ट 3 pounds 80 cents. INR में अगर आप कन्वर्ट करोगे कुछ 350 रुपीस का एक सैंडविच. यहाँ यही है. अब जो नेक्स्ट स्टेशन है वो हार्डली 10 minutes में आएगा, वो है क्रू करके, तो वो तो मैं स्किप करूँगा. पर ध्यान रखिएगा खाना पीना. अगर आप दिमाग चलाओगे तो पैसे बचेंगे, अदरवाइज एक कॉफ़ी मान लीजिए कॉफ़ी यहाँ पर मिनिमम 300 rupees की है. और सैंडविच का टेस्ट, सैंडविच गरम करके भी नहीं दिया है. क्या करें भाई. बट सबसे अच्छी बात है ये हेड रेस्ट. ये देखो मेरे को तो इतना पसंद आया है. सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल और कोच ए है तो इसमें शांति है, सुकून है. बस फर्स्ट क्लास हमारी जर्नी चल रही है. मैं हूँ स्टैंडर्ड क्लास में. फर्स्ट क्लास में आपका खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड है. आप सोच रहे हो ना भैया ज़रा कॉस्टिंग तो बताओ. बताएंगे. ये देखो ये गई कार्गो. देखो कितनी फास्ट, देखो स्पीड देखो आप. हमारी खुद की ट्रेन पता नहीं कुछ 180 किलोमीटर पर है, सामने वाली भी तो ऐसे निकलती है जुब जुब जुब. हमारी जर्नी का सेकेंड लास्ट स्टॉप रनकॉन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1869 में. स्टेशन कोड RUN. दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं और आप देखिए यहाँ क्या बारिश हो रही है. ये देखो गेट का आपको इतना केयर. ये देखिए सिर्फ हार्डली 1 minute का स्टॉप, आपको यहाँ इतना केयरफुल रहना है कि आप पूछिए मत. अब हम आ गए नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड. अगर आपको प्लेटफॉर्म 2 और दिखा दूं, ये देखिए दिस इज रनकॉन. वेलकम ऑन बोर्ड दिस नोवांटी वेस्ट कोस्ट सर्विस टू लिवरपूल लाइम स्ट्रीट. अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्टिंग का आपको बता दूं, जो मैंने पे किया है फॉर दिस स्टैंडर्ड क्लास ट्रिप के लिए इट इज़ 29 pounds 75 cents. INR में इट इज़ अराउंड 3000. मैं तो आपसे यही कहूँगा मैं लकी था तो मेरे को सबसे चीपेस्ट टिकट मिली है. फर्स्ट क्लास का प्राइस है कुछ 120 pounds, 12,000 to 13,000 rupees की टिकट फॉर 2 hours जर्नी. बट उसमें फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है. चॉइस आपकी है, आप ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट पर कर सकते हो. दैट इज़ मैंने खुद ऑनलाइन पर की. एकदम प्रोसेस बहुत सिंपल है. बट एक बात का ध्यान रखिएगा, बिटवीन 7 to 11 इन द मॉर्निंग और फिर शाम को 5 to 9 टिकट एक्सपेंसिव हो सकती है बिकॉज दैट इज़ वर्किंग आवर्स. और बुकिंग्स पहले ही कीजिएगा. लास्ट मिनट पर अगर बुकिंग करोगे तो टिकट प्राइस और एक्सपेंसिव हो जाता है. और जो मैंने बुकिंग की है वो की है विथ रेल कार्ड, इसलिए मेरे को टिकट मिली है 29 pounds की. अदरवाइज सेम टिकट वो है कुछ 45 pounds की. तो रेल कार्ड ज़रूर बाय कीजिएगा. बस सफ़र चल रहा है और टिकट्स, आप भी शायद कहोगे टिकट्स आर एक्सपेंसिव, बट भाई दिस इज़ इंग्लैंड. यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते.
11:20 means 11:20, बिल्कुल शार्प राइट टाइम हमारी अवंती वेस्ट कोस्ट पहुंच चुकी है लिवरपूल लाइम स्ट्रीट के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर, और जर्नी करके आ गया मज़ा। आप स्टेशन देखिए, साफ़ सफाई देखिए, उम्मीद है आपको व्लॉग में मज़ा आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ हॉस्टल और आपके सामने है वापस एक और ट्रेन जर्नी बहुत जल्द, टुमारो 1 अक्टूबर। मैं जैसे मैं आपको बताया पूरी तरह से स्ट्राइक है, आई डोंट नो ट्रेन ऑपरेट करेंगी कि नहीं करेंगी, देखेंगे। ठीक है, आपके सामने बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज आती रहेंगी, 40 मिनट्स ये यहाँ रुकेगी, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे और वापस ये जाएगी टू लंदन ह्यूस्टन। अगर आप वहाँ देखोगे पूरी अच्छी यूनिफॉर्म में, सूट वगैरह में आप देख सकते हो LP साहब लोको पायलट साहब को, ठीक है, शार्प टाइम इस तरफ आप देख सकते हो लिवरपूल लाइम स्ट्रीट। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नी। आई गेस मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे, यस, ठीक है, 9 पे हमारी अवंती वेस्ट कोस्ट। मज़ा आ रहा है जनाब, ये ज़रूर है ट्रैवल करके मज़ा आ रहा है। ठीक है, टाटा एंड यू डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।